हेलो फ्रेंड, मैं ज्योति। वेलकम टू माय चैनल पिंक सिटी ऑल इन वन। आज आपके सामने ये सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल जो दिखाई दे रहे हैं, फ्लावर, उनको डाइंथस बोला जाता है। और हम आज मैं आपको डाइंथस के बारे में जानकारी दूंगी। डाइंथस जो है वो कैरियोफाइलेसी कुल का सदस्य है और मतलब उसी का भाई बहन है ये। इसको कार्नेशन भी कहा जाता है, उसकी भी वेराइटी है ये। और ये फ्लावर्स फ्रेंड सीजनल हैं और ये बहुत कलर्स में मिलते हैं। इस टाइम इनका इतना अच्छा सीज़न है, ये आपको नवंबर टू मार्च इसका सीज़न रहता है। लेकिन ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में जो है गर्मी नवंबर लास्ट में ठंड पड़ने लगती है और फैब तक चलती है। तो ये मतलब होली तक ही, अगर आप इसकी केयर करेंगे तो होली तक आपको ये फ्लावरिंग अच्छी देगी मार्च तक। और अगर नहीं करेंगे तो फैब तक आप समझिए कि ये फ्लावर चलेंगे। और जब गर्मी पड़ने लग जाती है तो इसका प्लांट भी मरने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम जो है बहुत सुंदर सुंदर बहुत तरह की वैरायटी के फ्लावर्स आते हैं, उसमें से डाइंथस भी एक है। डाइंथस का फ़ायदा ये है कि एक छोटा प्लांट है, छोटे से पोट में लग जाता है। ये देखिए, मैंने इतने छोटे पोट में इसको लगा रखा है। ये देखिए, इतना सा, ये मेरी आधा हाथ जितना है। ये देखिए, और ये मैंने छोटी छोटी बकेट ली थी, बहुत सस्ती सस्ती मिल गई थी मेरे को 15-15 रुपीज़ में। और संक्रांत का टाइम था तो संक्रांत में ये लगे रहते हैं बांटने के लिए प्लास्टिक के सामान, तो ये बहुत अच्छा मेरे को मिल गया। मैंने इसको हैंगिंग के लिए लिया था। मैंने अभी इससे नीचे उतार कर इसके वीडियो बनाने के लिए इसे नीचे उतारा है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं यही बताना चाहूँगी कि इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। इसकी मिट्टी जो है आपको वही भुरभुरी रखनी है। मैंने इसमें सैंड और कोकोपीट ज़्यादा मिलाया है। मिट्टी तो गार्डन की मिट्टी मिलाई है, थोड़ी सी गोबर खाद मिलाई है। और इस प्लांट को मैं पिंक और वाइट को मैं नर्सरी से लेकर आई थी, जब इसमें 4-5 फ्लावर थे और उसको 1 वीक भी नहीं हुआ। ये फ्लावर देखिए पूरा गुच्छा का गुच्छा भर गया और भी इसमें कलियाँ बनी हुई है। देखिए ये रही। और ये वाला मैंने अपने किसी नेबर से, मेरी फ्रेंड के यहाँ से मैं इसकी पौध लेके आई थी। उनकी क्यारी है तो उसे भी बहुत शौक है। वो उनकी क्यारी में क्या है, क्यारी में क्या होता है, हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो मल्टीपल होता रहता है। उसकी सीड्स गिर के उसकी रूट्स फैल जाती हैं तो उससे वो मल्टीपल होता रहता है। तो मैं उसकी छोटी सी पौध जो है वो निकाल कर ले आई थी। जब भी मैं जाती हूँ तो एक उसकी थोड़ा रूट से उसको निकाल कर मिट्टी का लड्डू सा बना कर ले आती हूँ और अपने किसी भी पोट में लगा देती हूँ। 2 दिन शेड में रखती हूँ, फिर वो जो है अच्छे से लग जाता है। तो मेरे पास ये 2 वेराइटी, एक पिंक कलर का भी, लाइट पिंक कलर का, उस पर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही, वो छोटा है अभी, शायद में भी हफ्ता भर और लगेगा, उस पर भी होने लग जाएंगी। और इस प्लांट का फ़ायदा ये है कि बहुत छोटा है, ये छोटा प्लांट होता है और इसमें गुच्छों के साथ बहुत सारे फ्लावर आते हैं। और फ्लावर जो होते हैं बहुत लाइट वेट होते हैं और ये दिखने में इतने सुंदर लगते हैं, मतलब आप अगर 3-4 प्लांट को एक साथ ऐसे लगा देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बताने कितने सारे फूलों के प्लांट लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा दिखता है ये। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में यही है कि पानी, आप मिट्टी सूखने पर इसको पानी दें। और ये देखिए, अभी और भी कलियाँ बनी हुई हैं, कितने सारे फूल हैं। अगर मतलब हम कोई और लगाते हैं प्लांट, गजनिया का लगाते हैं, इनका लगाते हैं, तो क्या 2-3-4 ऐसे फ्लावर निकलते हैं। लेकिन इसमें देखिए कितने सारे प्लांट हैं, इसमें देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अभी भी मतलब आपके पास 2 महीने आराम से हैं, नर्सरी जाइए। अब आप सीडलिंग तो नहीं कर सकते इन प्लांट्स की, क्योंकि अब इनका सीज़न चला जाएगा जब तक ये प्लांट बनेगा। तो आप नर्सरी जाइए और ये ऐसे प्लांट्स लेकर, ज़्यादा नहीं, मैं ये 1 लेकर आई थी ना, मैं एक और वो दूसरा लेकर आई थी, तो ये 25 रुपीज़ में मेरे को पड़ा था, 30 बोल रहा था, 25 रुपीज़ में इसने मेरे को दिया था ये। तो आप भी इसे लेकर आइए और अपने फूलों के, अपने गार्डन की शोभा बढ़ाइए। रंग बिरंगी फूल, मतलब कोई भी घर में एंट्री करता है फ्लावर्स दिखते ना तो ऐसे मतलब अलग ही उसकी नज़र होती है देखने की। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, मैं इसके बारे में आपको यही बताना चाहती हूँ। इन फ्लावर्स की बुके में बहुत सजावट होती है, घर की सजावट के लिए, बुके की सजावट के लिए, गाड़ियों की सजावट के लिए, बुके वाले इसको बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर और टेक केयर प्लांट्स। और मैं आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लाती रहूँगी।
तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, और आप भी ऐसे सुंदर सुंदर फूल लगाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।